हेलो फ्रेंड्स, बीएफ के कुछ और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है द फीचर्स ऑफ कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क के क्या क्या फीचर्स है? पहला बोला है व्हेन अ रिस्क अराइज ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस बाय ए कंट्री एंड अ बोरोवर इज नॉट एबल टू परफॉर्म द प्रोमिस। तो कोई भी कंट्री रिस्क को आप ऐसे समझ सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल कि इम्पोर्टर है। मान लीजिए इम्पोर्टर कौन है, जिसने जो आप जिसको आप बायर भी बोल सकते हो, उसने आपसे कुछ सामान खरीदा है। इंडिया इंडिया में है सेलर, इंडिया में है एक्सपोर्टर। अब जो इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर तो पेमेंट करना चाहता है, उसने अपने बैंक को, जो कि मान लीजिए यूएसए में कोई बैंक है, उसको पेमेंट भेजने के लिए बोल दिया है एक्सपोर्टर जो कि इंडिया में उसके नाम पे, बट वहाँ की जो कंट्री है वो मना कर रही है। कंट्री ने रिस्ट्रिक्शन लगाया कि बाहर कोई भी फॉरन आपको करेंसी नहीं भेजनी है, कोई भी पेमेंट बाहर की कंट्री में नहीं करनी है। उस तरह के रिस्क को बोला जाता है कंट्री रिस्क। ठीक है, व्हेन अ रिस्क अराइज ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस बाय अ कंट्री, मतलब कंट्री उसमें रोक टोक कर रही है, यानी कि जो बायर है वो खुद तो पेमेंट करना चाहता है, बट बाहर की जो कंट्री है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो हमारे कानून है, हमारे जो लॉज है लोकल, जो हमारी कंट्री के कानून है, वो तो हमें मानने ही पड़ते हैं। तो वहाँ की कंट्री ने इसको रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो बैंकों को बात सुननी पड़ेगी। एंड ए बोरोवर इज नॉट एबल टू परफॉर्म द प्रोमिस। तो जनरली कुछ भी आप कुछ परचेज करते होते, एक टाइप से आपका जो आप साइन करते हैं, जो आप एग्रीमेंट बनाते हैं, तो एक टाइप का प्रोमिस रहता है आपका कि हाँ हम पेमेंट करेंगे। लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी जो कंट्री है वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, और उसकी वजह से ही आप क्या कर रहे हैं, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, अपने प्रॉमिस को नहीं पूरा कर पा रहे, तो वो होता है कंट्री रिस्क। बी बोल रहा है द रिस्क अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। तो कंट्री रिस्क में कोई भी बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ उसमें इंटरनल चीज़ें नहीं हो सकती। बोल रहा है ए काउंटर पार्टी हैज नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। किसलिए बोला है? क्योंकि ये बाहर की कंट्री की बात है। ये कंट्री रिस्क होगा किसके लिए? ये जो इंडिया में बायर है उसके लिए होगा, तो इसीलिए ये एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि ये जो कंट्री है उसकी जनरली बाहर की दूसरी कंट्री की बात की जा रही है, तो इसलिए ये एक्सटर्नल फैक्टर है। काउंटर पार्टी हैज नो कंट्रोल। अब आप इंडिया में हैं, आप सेलर हैं, आप एक्सपोर्टर हैं, आपका क्या कंट्रोल है बाहर की कंट्री की गाइडलाइंस पे, रेगुलेशंस पे? आपका कोई इस पर कंट्रोल नहीं, आप कुछ नहीं उसमें कर सकते। सो सी पॉइंट वही है, अ काउंटर पार्टी हैज नो कंट्रोल ऑन सच रिस्क। काउंटर पार्टी का इस तरह के रिस्क पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। डी है ऑल ऑफ दिस, सारे के सारे पॉइंट। सो कंट्री रिस्क के फीचर्स क्या है? ए बी सी डी, इसमें से कौन सा आंसर सही है? करेक्ट आंसर है इसमें हमारा डी, ऑल ऑफ दिस। कंट्री रिस्क के ये सारे ही फीचर्स है कि कंट्री रोक टोक करती है, बायर तो पेमेंट करना चाहता है बट कंट्री की वजह से नहीं कर पाता, उसकी खुद की कंट्री मना कर रही है जिसकी वजह से उसकी कंट्री ने रिस्ट्रिक्शन लगाई जिसकी वजह से पेमेंट नहीं हो रहा। एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि जो एक्सपोर्टर है उसी के लिए रिस्क है कि उसको पैसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो उसकी इम्पोर्टर की कंट्री है वो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, तो ये उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर है, तो ये रिस्क उसका एक्सटर्नल फैक्टर है। तीसरा, इसमें एक्सपोर्टर का या काउंटर पार्टी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। इसमें जो काउंटर पार्टी वर्ड यूज़ किया गया है ये इम्पोर्टर के लिए किया गया, ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टर का कोई कंट्रोल नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, तो ये सी पॉइंट भी करेक्ट हो गया, और डी में बोला ऑल ऑफ दिस, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ ट्रांजिशन रिस्क। ट्रांजिशन रिस्क क्या होता है? रिस्क अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉड, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ट्रांजिशन में कोई इंटरनल है, किसी स्टाफ ने कोई इन्वॉल्व है तो हो जाएगा इंटरनल फ्रॉड, एक्सटर्नल का कोई फ्रॉड हुआ है तो वो जाएगा एक्सटर्नल, कोई इन्वॉल्व है फ्रॉड में तो हो जाएगा एक्सटर्नल फ्रॉड। तो ये जो ट्रांजिशन रिस्क है, इसमें कोई ट्रांजिशन में आपके इंटरनल स्टाफ ने कुछ फ्रॉड कर दिया या एक्सटर्नल जो कस्टमर है उसी ने कुछ फ्रॉड किया, तो हो जाएगा हमारा ट्रांजिशन रिस्क। दूसरा है इट मे बी ऑन अकाउंट ऑफ फेल्ड बिजनेस प्रोसेस। तो आपके जो बिजनेस प्रोसेस हैं जो अच्छे से काम नहीं किए वो फेल हो गए, उसकी वजह से आपका ये ट्रांजिशन रिस्क आपको हो गया। तीसरा बोला है व्हेन ए बिजनेस इज नॉट एबल टू मेंटेन द कंटिन्यूटी इट इज नोन एज ट्रांजिशन रिस्क। तो जो बिजनेस है अपनी कंटिन्यूटी को नहीं मेंटेन कर पाया, तो वो उसके लिए कौन सा रिस्क हो जाएगा? वो उसके लिए हो जाएगा ट्रांजिशन रिस्क। डी बोला है ऑल द अबव, सारे के सारे पॉइंट ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, ट्रांजिशन के सारे ही पॉइंट सही है, कि आपका इंटरनल या एक्सटर्नल कोई फ्रॉड हो गया, कोई बिजनेस प्रोसेस आपका फेलियर हो गया, तो ट्रांजिशन रिस्क हो जाएगा, और बिजनेस अपनी कंटिन्यूटी, जो कंटिन्यू कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यू अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे, कंटिन्यू नहीं रख पा रहे आप बिजनेस, कुछ आपका फेलियर हो गया, कुछ आपके प्रोसेस बिजनेस प्रोसेस काम करने बंद हो गए, तो वो आपका बिजनेस आपका प्रोसेस फेलियर हो गया, या आप किसी वजह से अपने कंटिन्यूटी को आप नहीं कर पा रहे काम में, तो आपका ट्रांजिशन रिस्क हो जाएगा। सो डी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक रिस्क। स्ट्रैटेजिक रिस्क किसको बोला जाता है? अ रिस्क अराइज फ्रॉम एडवर्स बिजनेस डिसीजन। आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो आपको लगा था कि आपके लिए अच्छा होगा, बट वो सही साबित नहीं हुआ, आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी फेल हो गई एक तरह से। दूसरा, इट इज अ फंक्शन ऑफ कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी गोल। मतलब स्ट्रैटेजी रिस्क होता है कि कितनी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रैटेजी गोल है वो कितने कॉम्पैटिबिलिटी है, कॉम्पैटिबिलिटी मतलब कितना काम करने योग्य है, कितना वो उनका जो आइडियाज है, जो उसकी स्ट्रैटेजीज है, स्ट्रैटेजीज को लेके जो उनके गोल्स है वो कितने काम करेंगे।
तीसरा है दिस इज मेजर्ड फ्रॉम रिसोर्स डिप्लॉयड टू रीच गोल्स एंड क्वालिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इसको मेजर कैसे किया जाता है? फ्रॉम रिसोर्स डिप्लॉयड टू रीच गोल्स, तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनसे इसको मेजर करेगा जिससे हम गोल्स को अचीव करेंगे, और कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसकी क्या क्वालिटी, मतलब आपके गोल्स कैसे और आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। एक तो होता है आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी है बट आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत पुअर है, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी। सो सी में उसकी वही बात की जा रही है कि आप कैसे अपने गोल्स के लिए कैसे रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर रहे हो, रिसोर्सेज को आप इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, उसकी क्वालिटी क्या है, तो वो स्ट्रैटेजी रिस्क बताएगा। डी है ऑल दी अबव। सो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा डी, स्ट्रैटेजी रिस्क में सब कुछ आ जाएगा कि आपके बिजनेस डिसीजन कैसे हैं, कैसे आपने डिसीजन लिए हैं, आपकी जो स्ट्रैटेजी को लेके जो गोल्स है वो कैसे काम करता है, आपकी जो क्वालिटी है इम्प्लीमेंटेशन की, और कैसे आप अपने गोल्स को रीच कर रहे हैं, कैसे आप रिसोर्सेज को लगा रहे हैं गोल्स को अचीव करने के लिए, तो वो सब चीज़ें स्ट्रैटेजी रिस्क में काउंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीचर्स ऑफ क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क के क्या फीचर्स है? क्रेडिट रिस्क ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इज इंडिकेटेड बाय क्रेडिट रेटिंग। तो क्रेडिट रिस्क को जो है आप पहले से पता कर सकते हो आपकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है, क्रेडिट रेटिंग सबको दी जाती है तो आपकी जो रेटिंग है उसके हिसाब से पता कर सकते हो। दूसरा बोला इट इंडिकेट द रिस्क लेवल एसोसिएटेड विद द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, तो कितना रिस्क है उससे इसको पता कर सकते हैं। तीसरा बोला लोअर लोअर द रिस्क लेवल लोअर इज द स्प्रेड ओवर रिस्क फ्री रेट, तो जितना रिस्क कम होगा उतना ही जो है रिस्क फ्री स्प्रेड भी कम होगा। डी बोला ऑल ऑफ दिस। तो क्रेडिट रिस्क जनरली है क्या, इसका फीचर क्या है? सो इसके फीचर में चारों के जो तीन के तीन पॉइंट है सारे इसके फीचर्स है कि क्रेडिट रिस्क हमारे जो रेटिंग है उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं, और जो भी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है उसमें कितना रिस्क है ये उससे क्रेडिट उसके बारे में बताता है, और कम रिस्क होगा तो उसका मतलब रिस्क फ्री जो रेट है उसके लिए स्प्रेड भी कम होगा। स्प्रेड हम क्या रखते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ एक इंटरेस्ट रेट रहता है, आरबीआई बोलते हैं कि इतना आपको रखना है, फिर स्प्रेड आपका खुद का ही आप अपने ही हिसाब से देखते हो जितना रिस्क है, तो जितना कम रिस्क होगा उतना ही कम आप स्प्रेड रखते हैं। ठीक है, सो सी पॉइंट हो गया और डी हो गया ऑल ऑफ दिस। तो सभी फीचर्स क्रेडिट रिस्क के ही हैं तो इसलिए डी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डेरिवेटिव क्या होता है। ये ओवर द काउंटर होते हैं, दे आर नॉट लिक्विड एज मार्केट, बैंक होल्ड डेरिवेटिव अंटिल मेच्योरिटी, ऑल ऑफ दिस। तो ओवर द काउंटर है, ओवर द काउंटर मतलब हमें मालूम है कि कौन बायर है कौन सेलर। एक तो होता है स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना, जहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे हम परचेस और मतलब सेल करने का काम करते हैं, तो हमें मालूम नहीं कि कौन है अपोजिट पार्टी। बट ओवर द काउंटर में ऐसा नहीं है, हमें मालूम है कि किसको हमें बेच रहे हैं। तो डेरिवेटिव की फीचर्स है कि हम जानते हैं कि किसको बेच रहे हैं, ये ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। दूसरा दे आर नॉट लिक्विड एज मार्केट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि बाकी के मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है जनरली वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं, तो वो आसानी से लिक्विड हो जाते हैं, हम कभी भी उसको खरीद बेच सकते हैं। बट क्योंकि ये ओवर द काउंटर है इसमें हम जानते हैं कौन बायर है कौन सेलर है, तो इतनी आसानी से ये लिक्विड नहीं हो पाता है, हमें ढूंढना पड़ता है कोई बायर सेलर, तभी हम उसको बेच या खरीद सकते हैं। बैंक अगर डेरिवेटिव को रखता है तो मैच्योरिटी तक रखते हैं, क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव एक टाइप के क्या कौन से होते हैं जो रिस्क से प्रोटेक्शन देता है आपको, तो जनरली मैच्योरिटी तक ही बैंक इनको अपने पास रखता है, होल्ड करके रखता है। डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो डेरिवेटिव की फीचर्स क्या आ जाएंगे? डी ऑल ऑफ दिस, ये सारे ही फीचर्स डेरिवेटिव है। और डेरिवेटिव क्या होते हैं, ये अपनी वैल्यू जो है अंडरलाइंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे ये डिराइव करते हैं, इनको नहीं मालूम इनकी क्या वैल्यू होगी। जैसे आप बोल लीजिए कि मिल्क का प्राइस कम ज़्यादा होगा तो पनीर का प्राइस भी सबसे कम या ज़्यादा होगा, अगर ऑयल का प्राइस कम या ज़्यादा होगा तो ऑयल के जो बाकी के प्रोडक्ट है उसका प्राइस कम ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से डेरिवेटिव होते हैं, मतलब इनको इसकी वैल्यू के बारे में पहले से नहीं मालूम होता है, ये वैल्यू डिराइव होती है जो भी अंडरलाइंग असेट्स होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, डेरिवेटिव का मैंने आपको BFM की बुक से काफ़ी डिटेल में भी समझाया कि ये कैसे काम करते हैं और कौन कौन से टाइप के डेरिवेटिव होते हैं। वट इज सेटलमेंट रिस्क? सेटलमेंट रिस्क क्या होता है? इसमें बोला है कि इन अ फाइनेंशियल मार्केट ट्रांजेक्शंस, कोई भी मार्केट में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है, वन पार्टी पेज मनी एंड रिसीव द इंस्ट्रूमेंट, एक पार्टी पेमेंट करती है और दूसरी पार्टी को पेमेंट मिलती है। ठीक है, द काउंटर पार्टी रिसीव द मनी एंड पार्ट विद द इंस्ट्रूमेंट, तो जो काउंटर पार्टी उसको पैसा मिला, एंड इफ एनी ऑफ अबव ट्रांजेक्शन पार्टीज डिफॉल्ट, तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है तो वो जाएगा मेरा सेटलमेंट रिस्क। सो आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो सेटलमेंट रिस्क में क्या होता है कि दो पार्टी है, एक ने तो पेमेंट कर दी पर दूसरे को पेमेंट, जैसे मान लीजिए कुछ लेन देन की बात हो रही है, आपने तो कोई सामान खरीदा पर बदले में आपने पेमेंट नहीं की, तो ये सेटलमेंट रिस्क हो गया। पर जनरली सेटलमेंट रिस्क होता है टाइम जोन डिफरेंस की वजह से, अलग अलग कंट्रीज का टाइम जोन डिफरेंस अलग तरह से होता है, इसी वजह से सेटलमेंट रिस्क देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें एक पार्टी तो पे कर देती है और उसको इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है, पर जो दूसरी पार्टी है काउंटर पार्टी है और वो पैसा रिसीव करती है, अगर इसमें से कोई भी एक पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है तो इन दोनों में से जो हमने पॉइंट्स बोले तो वो हमारा सेटलमेंट रिस्क है। तो ये सेटलमेंट रिस्क के सारे हैं, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं उसी के फीचर्स है कि इसमें एक पर्सन पेमेंट रिसीव करेगा, दूसरे वाला इंस्ट्रूमेंट लेगा और
जो इंस्ट्रूमेंट बेचेगा उसको पैसा मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों से अगर एक भी पार्टी, मतलब आपने पेमेंट कर दी पर वो जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिसके लिए आपने पेमेंट की वो आपने नहीं दिया, या पेमेंट आपने भेज दी दूसरे को पेमेंट नहीं मिली, ठीक है, इस तरीके के जो रिस्क है वो सेटलमेंट में आ जाएंगे, और मेनली टाइम जोन डिफरेंस की वजह से ये रिस्क होता है। वट इज सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? इट इंडिकेट डेविएशंस ऑफ मार्केट प्राइस ड्यू टू यूनिट। तो एक जैसे मार्केट में कई सारे पैरामीटर्स हैं, सेंसिटिविटी की एक बात है कि उसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर को ध्यान में दिया या ध्यान में रखा जाता है। तो बोल रहे हैं कि जो मार्केट पैरामीटर है उसमें सिर्फ एक मूवमेंट चेंज हुआ और उसकी वजह से जो रिस्क हुआ उसको बोला जाएगा, उसकी वजह से जो मार्केट प्राइस चेंज हुआ उसमें जो डाइवेशन देखने को मिलेगा तो उसको बोला जाएगा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब मार्केट के किसी सिंगल पैरामीटर्स में चेंज होने की वजह से जो रिस्क होगा वो होगा हमारा सेंसिटिविटी। सेकेंड बोल रहा है, इफ द लिक्विडिटी इन द मार्केट इंक्रीज इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज डिमांड। तो जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो डिमांड जो है उसकी इंक्रीज हो जाती है। और तीसरा बोल रहा है, द इंक्रीज डिमांड में इंक्रीज मार्केट प्राइस, और डिमांड बढ़ रही है तो उससे मार्केट प्राइस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो डी आ जाएगा इसका, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। ये सारे ही फीचर सेंसिटिविटी के। सेंसिटिविटी का सिंपल इतना मतलब है कि मार्केट में एक पैरामीटर चेंज हो जाए और उसकी वजह से जो है मार्केट प्राइस में डेविएशन देखने को मिले वो कम ज़्यादा हो जाए तो वो होगा हमारा सेंसिटिविटी। दूसरा बोल रहा है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाए, लिक्विडिटी बढ़ेगी मतलब लोगों के पास पैसे आएंगे तो लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे लोगों की सैलरी बढ़ती है तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, वही यहाँ पे भी हो रहा है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? मार्केट प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा, और प्राइस इंक्रीज हो गया तो वही सेंसिटिविटी हो गया कि एक फैक्टर चेंज हो। अब ये फैक्टर चेंज क्या है? कोई भी एक फैक्टर हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल में दिया कि मान लीजिए लिक्विडिटी ये एक फैक्टर है, तो लिक्विडिटी बढ़ गई तो उससे क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो उससे क्या हुआ? मार्केट प्राइस बढ़ गया। तो एक चीज की वजह से मार्केट जो प्राइस है उसमें डेविएशन देखने को मिल रहा है वो कम ज्यादा हो रहा है तो वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा सेंसिटिविटी। सो आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, व्हाट इज बेसिस पॉइंट वैल्यू? बेसिस पॉइंट वैल्यू क्या होता है? इट इंडिकेट चेंज इन वैल्यू ड्यू टू वन बेसिस चेंज इन मार्केट यील्ड। तो मार्केट यील्ड में एक बेसिस चेंज आ जाए, अभी एक बेसिस कितना होता है? 100 बेसिस पॉइंट होता है 1%, तो 1 बेसिस कितना हो जाएगा? 1 बेसिस पॉइंट, ये हो जाएगा 1/100, यानी कि 0.01%। तो जो वैल्यू है उसमें चेंज आ जाता है ड्यू टू 1 बेसिस, जो मार्केट में यील्ड है उसमें 1 बेसिस का चेंज आने से जो मार्केट में वैल्यू में चेंज आता है वो होता है बेसिस पॉइंट वैल्यू, ठीक है। तो मार्केट में जो यील्ड है, यील्ड मतलब हमें कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है मार्केट से, तो वो जो यील्ड है, यील्ड में सिर्फ एक बेसिस का चेंज आता है और उसी की वजह से जो है वैल्यू पूरी चेंज हो जाती है, उसको बोला जाता है बेसिस पॉइंट वैल्यू। सो इट इंडिकेट चेंज इन वैल्यू ड्यू टू 1 बेसिस चेंज इन मार्केट यील्ड। मार्केट यील्ड में सिर्फ एक बेसिस के चेंज होने से जो वैल्यू है उसमें काफी चेंज आ गया तो वो जाएगा बेसिस पॉइंट वैल्यू। दूसरा है, इट इज अ रिस्क मेजरमेंट टूल। तो इससे क्या करते हैं? रिस्क को मेजर किया जाता है। सी बोला, हायर द बेसिस पॉइंट वैल्यू, तो बेसिस पॉइंट वैल्यू का अगर ये ज्यादा होगा, हायर इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द इंस्ट्रूमेंट। तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका उतना ही ज्यादा रिस्क होगा, तो ज्यादा इसकी वैल्यू होगी तो ज्यादा उसमें रिस्क होगा। तो डी है, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर होगा डी। सो बेसिस पॉइंट वैल्यू के ये सारे फीचर्स है। इट इंडिकेट द चेंज इन वैल्यू ड्यू टू 1 बेसिस चेंज इन मार्केट। तो मार्केट रेट में एक चेंज आने से जो है प्राइस में चेंज आता है। दूसरा, इट इज अ रिस्क मेजरमेंट टूल। सो इससे क्या होता है कि आप रिस्क को मेजर कर सकते हो। तीसरा बोल रहा है, हायर द बेसिस पॉइंट वैल्यू, इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा, हायर इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द इंस्ट्रूमेंट, तो उतना ही ज्यादा आपको रिस्क भी होगा। तो वो सारे किसके फीचर्स है? वो है हमारे बेसिस पॉइंट वैल्यू के फीचर्स। तो डी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप समझ गए इसमें एग्जैक्टली है हो क्या रहा है कि आपके असेट्स लायबिलिटीज है उसमें चेंज आ रहा है, उनकी जो वैल्यूज है उसमें चेंज आ रहा है कि मार्केट में एक बेसिस के चेंज होने से, जिसको बोला जाता है 0.01%। इससे आप क्या करोगे? अपने रिस्क को मेजर करोगे, आपको पता लग जाएगा कितना चेंज आ रहा है, तो उस सब जान सकते हो कि कितना हमें रिस्क हो रहा है। और ज्यादा अगर बेसिस पॉइंट वैल्यू होगा तो उतना ही ज्यादा रिस्क होगा, क्योंकि जितना ज्यादा बेसिस पॉइंट वैल्यू होगा उतना ज्यादा चेंज आएगा और उतना ही ज्यादा रिस्क उस इंस्ट्रूमेंट के साथ होगा। डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। वट इज डाउन साइड रिस्क? डाउन साइड रिस्क क्या होता है? इट इज कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ रिस्क एज इट इंटीग्रेट सेंसिटिविटी एंड वॉलेटिलिटी विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। सो डाउन साइड रिस्क क्या है? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ रिस्क। तो इसमें रिस्क को मेजर किया जाता है एज इट इंटीग्रेट सेंसिटिविटी एंड वॉलेटिलिटी विद द एडवर्स। तो एक तो होता है सेंसिटिविटी, जिसमें एक बेसिस पॉइंट के चेंज मतलब एक पैरामीटर के चेंज होने से चेंजेस आता है। एक होता है वॉलेटिलिटी, जिसमें मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से क्या रिस्क हो रहा है। तो डाउन साइड में दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाता है, दोनों को मिला के देखा जाता है। अनसर्टेनिटी क्या होगी, उसका एडवर्स इंपैक्ट क्या होगा, फिर चेक किया जाता है। दिस इज मोस्ट रिलायबल मॉडल। तो ये बहुत ही रिलायबल एक अच्छा मॉडल है।
डाउनसाइड पोटेंशियल ओनली कैप्चर पॉसिबल लॉसेस, तो इसमें सिर्फ लॉसेस की बात की जाती है, जो आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जो पोटेंशियल है उसकी इसमें कोई बात नहीं की जाती, ठीक है। तो इसमें सिर्फ जो आपके लॉसेस जो आपको हो सकते हैं, सिर्फ इसमें उसी की बात की जाती है, आपके प्रॉफिट की पोटेंशियल की बात नहीं की जाती। डी, सो इसका वही करेक्ट आंसर हो गया इसमें डी, डाउनसाइड में ये सारे जो फीचर्स डाउनसाइड के, कि बहुत रिलायबल मॉडल है, बैंक इसको बहुत अच्छे से यूज़ करता है डाउनसाइड, क्योंकि इसमें सिर्फ लॉसेस की बात होती है, प्रॉफिट की बात नहीं की जाती, और इसमें इंटीग्रल मतलब मिला के जो हमारा सेंसिटिविटी मेथड है और जो वोलेटिलिटी मेथड है, दोनों को मिला के जो है अनसर्टेनिटी के इफेक्ट को चेक किया जाता है, मेजर किया जाता है, रिस्क रिस्क मेजरमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है उस पर्पज के लिए, ठीक है। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज वैल्यू एट रिस्क? वैल्यू एट रिस्क क्या होता है? वैल्यू एट रिस्क एज द लॉस अमाउंट एक्यूमुलेटेड ओवर अ सर्टेन पीरियड दैट इज नॉट एक्सीडेड इज मोर देन अ सर्टेन परसेंट ऑफ ऑल टाइम। इट इज डिफाइंड एज प्रेडिक्टेड वर्स्ट केस लॉस। तो वैल्यू एट रिस्क जनरली क्या होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब 95, 98, 99, एक कॉन्फिडेंस लेवल पे बताया जाएगा कि वर्स्ट केस में आपको इतना लॉस हो सकता है, वो होता है हमारा वैल्यू ऑफ रिस्क। तीसरा बोल रहा है, वैल्यू ऑफ रिस्क मॉडल रिलाइज ऑन ए मॉडल ऑफ रैंडम चेंजेस। तो इसमें क्या है, रैंडमली जो है हम वेरिएबल मानते हैं, रैंडमली चेंज होगा और उसके हिसाब से फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना आपको लॉस होगा, और इसमें जो है लॉस है एक सर्टेन पीरियड होगा उसमें कितना एक्यूमुलेट होगा, और जनरली वो इट इज नॉट मोर देन। तो वो जो बोल रहे हो कि सर्टेन पीरियड जो कि ज़्यादा नहीं होगा, किससे ज़्यादा नहीं होगा, अ सर्टेन परसेंट ऑफ ऑल टाइम, तो मतलब इसमें एक परसेंट रहेगा हर टाइम कि इससे ज़्यादा का आपको लॉस नहीं हो सकता, जैसे बोला 99, 95, तो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वो मैक्सिमम लिमिट आपको लॉस की बताता है। और इसमें बोला है कि रैंडम चेंजेस, आप रैंडमली सोचते हैं कि आपको इतना वैल्यूज होगी, तो आप रैंडमली सोच के फिर से आप वैल्यू डिसाइड करते हैं, उसी के ऊपर आपका मॉडल वेरी करता है, उसी पर आपका मॉडल रिलाई करता है, और डी है ऑल ऑफ दिस। तो वैल्यू ऑफ रिस्क की सारी डेफिनेशन इसी की, सो डी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वैल्यू एट रिस्क आपको जनरली बताता क्या है, ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए थ्योरी में भी पूछ लेते हैं, आपका उसका न्यूमेरिकल भी आता है। बीएफएमएस के मैंने आपको न्यूमेरिकल ऑलरेडी कराया है, और जो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिस्क है, ये जो है क्रेडिट रिस्क, मार्केट स्ट्रेटेजी, इंबेडेड, अलग अलग टाइप के जो रिस्क है, बेसिस पॉइंट, यील्ड, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम के, 5-6 नंबर का आपका रिस्क ही पूछा जाता है। वैल्यू रिस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमेशा पूछा जाता है, इसका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ठीक है, ये आपको देखना है। और यहाँ पे मैंने नंबर तो नहीं कराया, नंबर के लिए आपको बाकी की जो वीडियोस है उसमें आपको मिल जाएगा, चैप्टर में जो वैल्यू ड्रेस का वहाँ पे मैंने आपको नंबर कराया, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बीएफएम की केस स्टडी में मैंने आपको वैल्यू ड्रेस कराया, तो बीएफएम केस स्टडी का जो फोल्डर है वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। सो वैल्यू ड्रेस में आप समझ गए इसमें हो क्या रहा है, कि वर्स्ट केस सिनेरियो में हमें कितना लॉस होगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ वो हमें बताता है, तो वो होता है हमारा वैल्यू एट रिस्क।